नाम है आपका? मेरा नाम चंदू चौहान है। सबसे पहले भारत सरकार का भी और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की थी पाकिस्तान से वापस लाने के लिए। तो सबसे पहले आप किस डिपार्टमेंट में थे? मैं आर्मी फोर्स में था। फोर्स में थे? कौन सी ग्रेड में थे? क्या थे? 81 आर्मर्ड पैरेंट यूनिट है। मैं 37 राष्ट्रीय राइफल में पोस्टिंग था जिस दिन POK में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। अच्छा, उस समय आप वहाँ पे मौजूद थे? हाँ, उस टाइम पे मैं पाकिस्तान में कैप्चर हुआ था। किस चीज़ के लिए आपको कैप्चर किया गया था वहाँ पे? मैं जोश में आके अपना होश खो बैठा था और पाकिस्तान पे बदला लेने के लिए मैंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया था। उसके बाद मुझे सजा मिली थी, जो बॉर्डर क्रॉस करना है अपराध था। मैंने अधिकारी के बिना परमिशन के बिना बॉर्डर क्रॉस किया था, बल्कि उस टाइम पे मैंने साफ तौर पे लिखा था जब मुझे सजा मिली थी कि उड़ी हमले से मैं प्रेरित होकर और हमारी पोस्ट पर से यमन की गर्दन काट दी गई। इन दिनों की वजह से मैंने सोचा मैं देश के लिए बदला लूँगा। इसी तरह मैं जोश में होश खो बैठा और खुद पाकिस्तान पे हमला करने के लिए चला गया। ये मेरी गलती है, इसकी सज़ा मुझे मिल गई। बल्कि मैंने सजा लेने के बाद मैं अहमदनगर में पोस्टिंग हुआ, उसके बाद वहाँ पे मुझे प्रताड़ित किया गया अधिकारी की तरफ से, जैसे कि मेंटल हॉस्पिटल में 2 बार भेज दिया गया। उसके बाद जब आदमी एक नॉर्मली वहाँ पे पाकिस्तान में मैंने सजा तो भुगती है, एक एक दिन एक एक साल मेरे लिए एक मिनट के बराबर ऊपर था जो मैंने बिताए। मेरी नानी भी गुजरी उस सदमे से। अगर मैं इतना देशभक्ति नहीं रहता तो मैं घर पे ही रहता, क्यों जाता मैं ऐसे करता? तो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे टेररिज्म आते हैं उनको तो कोई सज़ा नहीं मिलती है, हमारे जैसे जवान कहीं बहादुरी से गया हो या गलती से नहीं गया, उसने जोश दिखाया अपना और उसको सज़ा मिल गई, उसने एक्सेप्ट भी कर ली, फिर उसके बाद उसके साथ कैसे होना चाहिए व्यवहार? ये आप खुद सोचो और खुद जवाब दो इसके बारे में, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने अहमदनगर में मुझे 2-3 बार सजा मिला, उसके साथ मुझे अनुशासन कार्रवाई चला रहे थे, अधिकारी अपनी पावर दिखा रहे थे। बल्कि मैंने उनको लिखित तौर पे बताया था कि मैं गृह सचिव सेना संबंधित, ये मैंने एक एप्लीकेशन उनको सबमिट किया था। उसके बाद ही मैं घर पे आया था, उसमें मैंने साफ तौर पे कहा था जब से पाकिस्तान से आया मुझे सज़ा मिल रही है और अपमानास्पद मिल रहा है, बार बार मुझे अपमानित किया जा रहा है, इसलिए मैं दुखी होकर घर जा रहा हूँ। घर के मैंने उनको लिखित दिया था और घर आया। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म किया कि इस वजह से मैं घर आया हूँ घर के लिए, पर पुलिस वाले बोले हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। अगर ऐसा जवान कोई बिना बताए जाता है तो उसको पहले पुलिस स्टेशन में बताया जाता है और पुलिस ही लेने आती है, फिर पुलिस का डिपार्टमेंट नहीं, तो पुलिस ने भी उसको हक नहीं स्वीकारना चाहिए कि ये मिलिट्री का मामला है, मिलिट्री वाले को लेने के लिए भेजो, ऐसे होना चाहिए। मैं इसके लिए CBI जांच और सरकारी वकील और सुप्रीम कोर्ट में मेरी केस चलना चाहिए, इसलिए मैं इधर आया हूँ, क्योंकि अधिकारी की तरफ से जो इंक्वायरी होती है उसमें लिग्नेंसी से किया जाता है। अधिकारी आप पे क्या आरोप लगा रहे हैं, क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? अधिकारी का प्रताड़ित करने का मतलब यही कि इसको वहाँ पे आया कैसे, और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे सुभाष भामरे वो मेरे महाराष्ट्र के मेरे डिस्ट्रिक्ट के थे, इनकी बदौलत है मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि अधिकारी उसमें फंसने वाले जिन्होंने मुझे जब मैं पाकिस्तान में सबके सामने बॉर्डर क्रॉस करके गया था सुबह के 10:30 बजे सबके सामने, जो कि वो मोबाइल को रोका नहीं, रोकने की कोशिश की, मैं रुका नहीं, मेरे जवान को बोला मैं मार के आऊँगा या मर के आऊँगा, उसमें मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, वो मोबाइल भी आज तक मुझे प्रेजेंट हालत में नहीं दिया गया जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, जबकि इंक्वायरी में सब कुछ सारा सच कुछ बताया हुआ है। मोबाइल में रिकॉर्डिंग है और वो मोबाइल नहीं मिला। आई कार्ड मेरा, जब मैं सोल्जर हूँ तो आई कार्ड मुझे देना चाहिए था, आई कार्ड भी मुझे अभी तक नहीं दिया गया, बल्कि 3 साल हो गए सेना में, बिना आई कार्ड का सोल्जर नहीं रह सकता, उसको आई कार्ड में देना जायज़ बात है, आई कार्ड भी मुझे नहीं दिया गया। और मुझे CBI जांच चाहिए, इसके लिए मैंने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया कि मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास इतना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए केस लड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लड़ूँ? तो इसलिए मैं गवर्नमेंट को भी अपील करता हूँ कि मुझे सरकारी वकील प्रोवाइड करे और CBI जांच। पाकिस्तान ने आपको छोड़ा किस बेस पे, क्या कहकर छोड़ दिया, या आपको इंडियन सरकार ने छुड़वाया? ये मेरे DPS के सुभाष भामरे, वहाँ के एक न्यूज़ पत्रकार थे डॉन न्यूज़, इनकी बदौलत है जब पाकिस्तान में वहाँ पे डॉन न्यूज़ में रुत छप गया, मेरा सिक्योरिटी लीक हुई वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे डिनाई करना जरूरी हो गया। इसके बाद यहाँ डिनाई करने के बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट के ही सुभाष भामरे, उनकी बदौलत हूँ मैं यहाँ आया हूँ, अगर वो नहीं रहते तो शायद मुझे यहाँ पे मैं आ ही नहीं पाता कभी ज़िंदगी भर, तो उनकी बदौलत थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमने पुलवामा जैसे आतंकी हमले का जिक्र करते हैं, सेना पर सियासत करते हैं, लेकिन आप इतनी दुख भरी दर्द कहानी सुना रहे हैं, मोदी सरकार को क्या कहेंगे इस पर आप? मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ, जब एक टेररिज्म आता है जब हमला करने के लिए, उसको तो गवर्नमेंट यहाँ पे नौकरी मिलती है, कई चीज़ें चलती है, इंटरनल मामले किसी को पता नहीं होते, पर एक जवान जो ऐसे गया है उसको सज़ा मिल ली, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया गुना, तो उसको सज़ा मिलने के बाद भी उसको प्रताड़ित करना, ये जायज़ बात नहीं है, गलत है उसके साथ। तो इसीलिए मैं प्रधानमंत्री का भी ये मैं बोलना नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री इंक्वायरी करे, क्योंकि वो ऊपर लेवल में
नीचे लेवल में क्या चलता है, सियासत करते हैं ना, आपको तो प्रताड़ित किया जाता है वहाँ पर कि आप क्यों गए वहाँ पर, या फिर जिसने भी हमले हुए आपको सजा भी आपने काटा, लेकिन इन इन सारी चीज़ों को तो गुरेज करना चाहिए ना। मैं वही बोल रहा हूँ, लिंकडिन से केस किया गया जो कि देश को पता नहीं है कैसे गया क्या गया, इंटरनल मामला कहीं पता नहीं है। पाकिस्तान ने छोड़ते टाइम स्टेटमेंट दिया था कि अधिकारी को तंग होकर आया था, पहले उन्होंने बोला था सर्जिकल स्ट्राइक का बंदा पकड़ा गया, फिर वहाँ से इधर उन्होंने बोला था कि ये बदला लेने आया था, ऐसे कई मैटर चले जो आज को देश को पता नहीं है। बल्कि मेरे पास डॉक्यूमेंट मेरे पास फाइल भी है, सब कुछ है, जो कि आज तक मुझे प्रेजेंट हालत में कभी बताने को मौका मिला ही नहीं। आज मैं सेना से बाहर आया तब मेरा आवाज़ में अपमानित महसूस हो चुका था, इसलिए मैं सच्चाई सारा बाहर निकलने वाला हूँ, इसलिए सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि सिविल में जो सरकारी वकील होते हैं हमारे मिलिट्री वाले। आपने इसके लिए कोई रक्षा मंत्री से या आपने अधिकारियों से पत्राचार किया? मैंने पहले पत्राचार किया है और चैनल के माध्यम से मैंने गृह सचिव को उनको लेटर दिया है, उनका काम है वहाँ तक पहुँचा। वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? वहाँ से कोई तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया मुझे सर, तो मैं चाहता हूँ। पाकिस्तान से वापस आए आपको आई कार्ड नहीं मिला? आई कार्ड नहीं मिला, मेरा मोबाइल फोन पर्सनली है, वो मोबाइल भी फोन नहीं दिया, बोला इंक्वायरी में जमा है, इंक्वायरी होगी सजा खा ली तो उसका पर्सनल मोबाइल उसको देना चाहिए, उसमें रिकॉर्डिंग इसलिए वो दे नहीं रहे, ये भी एक चीज़ है, बल्कि वो मोबाइल है उसमें। तो वहाँ से आने के बाद आपको पोस्टेड कहाँ किया गया था? पोस्टेड 30 RR में था मैं, वहाँ पे मेरा हादसा हुआ, हादसा होने के बाद मैं यूनिट में आया पैरन यूनिट, वहाँ से मैं अहमदनगर में पोस्टिंग था सेंटर। बहुत बातचीत करने के लिए। अब आप क्या चाहते हैं भारत सरकार से? मैं भारत सरकार से चाहता हूँ कि मुझे सरकारी वकील मिले, सुप्रीम कोर्ट में केस चले और सीबीआई जांच करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।